सुल्तानपुर में डाला छठ पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने आज व्रत तोड़ा। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देने व दान पुण्य के बाद जल ग्रहण कर उपवास को तोड़ा। नगर के सीताकुंड घाट तो कादीपुर के रानीपुर कायस्थ गांव में रानी तारा सरोवर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बता दें कि रविवार को व्रती महिलाओं ने गोमती नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया था। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ पर्व पर रविवार शाम आदिगंगा गोमती स्थित शहर के सीताकुंड घाट पर भी भारी भीड़ उमड़ी थी। पुत्रों की लंबी उम्र की कामना के लिए 36 घंटे का निर्जल उपवास रखते हुए महिलाएं शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने घाट पर पहुंची थीं। महिलाओं ने गोमती नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देकर परिवार में सुख समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना की। परिजन पूजन सामग्री लेकर महिलाओं के साथ खड़े रहे। रंग रोगन से लगदग व बिजली की रोशनी से जगमग सीताकुंड घाट पर देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। घाट पर बनाई गई वेदियों पर समूह में महिलाओं ने विधि विधान से छठ माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने छठ माता को गन्ना फल फूल व मिष्ठान आदि अर्पित कर पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। कठिन निर्जल व्रत के बावजूद महिलाओं के चेहरों पर उत्साह दिखा। डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद मंगल गान करती हुई महिलाएं देर रात घर पहुंची। महिलाएं सोमवार भोर में उगते सूर्य को अर्घ देने फिर घाट पर पहुंची और रात करीब 2 बजे से ही घाट पर महिलाओं का जुटना शुरू हो गया था। डाला छठ पर महिलाओं के पूजन कार्यक्रम को देखते हुए घाट पर मेला लगा रहा। पूजन के बाद महिलाओं बच्चों व पुरुषों ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा के लिए घाट से लेकर मेले तक में पुलिसकर्मी डटे रहे। समाज सेवियों की ओर से शिविर लगाकर व्रती महिलाओं व पुरुषों की मदद की जाती रही। गोमती मित्र मंडल के डॉक्टर दिनकर प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ घाट पर देर रात तक सक्रिय रहते हुए मेलार्थियों व महिलाओं की मदद की। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।